फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई चना। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जायका किचन को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे बनाना। हमने लिया है 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। थोड़ा स्पाइसी से बनाते हैं इसलिए थोड़ा सा चिल्ली पाउडर एक्स्ट्रा लेंगे हम। 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा नमक, क्योंकि जब हम चना बॉईल किया है तो उसमें भी नमक डाला है, इसलिए नमक डालते वक्त ध्यान देंगे कहीं वो एक्स्ट्रा ना हो जाए। एकदम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है सारे मसालों को, पानी नहीं ऐड करना है अभी। फिर हम इसमें बॉईल किया हुआ चना डाल देंगे, ये वाइट वाला चना या काबली चना जिसे कहते हैं। इसे हमने प्रेशर कुकर में पानी और नमक थोड़ा सा डाल के बॉईल कर लिया है, सिर्फ 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर। इसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के और मिक्स करते जाएंगे, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा पहले डालेंगे फिर मिक्स करेंगे फिर थोड़ा डालेंगे। एक साथ डाल देने से सारे मसाले अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के जब मिक्स करते हैं तो मसाले अच्छे से सब चने में मिक्स हो जाते हैं। इसी तरह हम सारे चने को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने सारे मसालों को चने में अच्छे से मिक्स कर लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया जाता है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए यूँ ही साइड में रख देंगे। हमने पैन गरम कर लिया है, फिर इसमें हम तेल डाल देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें 10 से 15 लहसुन इस तरह से डाल देंगे, छिलके के साथ में, छिलका नहीं डालेंगे। हमने इसे धोकर रख दिया ताकि पानी इसका सूख जाए और फिर ये लहसुन हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट इसे चला लेंगे यूँ ही, फिर इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें। फिर हम इसमें चना ऐड कर देंगे। देखें, थोड़ा थोड़ा चना ऐड करके इसे हम चलाते रहेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे इसे भी हम। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, इसे हम ही फैला कर चलाएंगे। पाँच मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर, देखिए इसे कुक कर लिया है, बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए, हम इसमें डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया। फ्रेंड्स, ड्राई चना बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जायका किचन को सब्सक्राइब कीजिए।